हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेहंदी मेकअप लुक, और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है। तो इस मेकअप लुक के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बायोटिका मॉइस्चराइज़र, और क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए आपको मेकअप करने से पहले। और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लिया है और अच्छे से लगाया, क्योंकि आगे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं तो अच्छे से हमारा फेस हाइड्रेट होगा, तभी अच्छा मेकअप आपका हो पाएगा। इसके बाद मैंने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया है निविया के लिप बाम से। देन मैंने यहाँ पे लिया है इनसाइड का प्राइमर, और इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। सर्दियाँ चल रही हैं फिर भी प्राइमर ज़रूर लगाइए, इससे आपके मेकअप बेस को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग तो हो ही जाता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस हमारा बेस भी क्रिएट होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे 925 फाउंडेशन, इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से टाइम देखिए, मैंने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर, और ये जो मेरी स्किन का शेड है वैसा ही था। तो सबसे पहले मुझे जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स थे मैंने वहाँ पे अप्लाई किया इसको, और इसे फिर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इससे हमारी स्किन पर जो भी पिगमेंटेशन रहेगी वो हाइड हो जाएगी, तो मैंने इसको लगा के फिर उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, और इससे मैं अपनी ब्राउज को फिल कर रही हूँ। तो क्योंकि ये ब्राइडल मेहंदी मेकअप लुक है तो थोड़ा सा हम जो मेकअप है उसको ज़्यादा करेंगे, जैसे बेस अच्छे से करेंगे, ब्राउज को थोड़ा सा डार्क फिल करेंगे, और आई मेकअप जो है वो भी थोड़ा बोल्ड करेंगे, क्योंकि ब्राइडल है तो यार लगना चाहिए कि ये ब्राइडल मेकअप है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अपनी ब्राउज को फिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर दोबारा से, और इसका जो शेड है वो थोड़ा मेरी स्किन से लाइट है, तो इसे एज हाइलाइटिंग कंसीलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं अपनी ब्राउज के ऊपर और नीचे लगाऊंगी इसको, जिससे हमारी ब्राउज काफ़ी शार्प दिखेंगी, एक अच्छे शेप में दिखेंगी। इसके बाद जहाँ जहाँ पर मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है लूज पाउडर लैक्मे का, और इससे मैं अपने पूरे जो मेकअप बेस मैंने किया है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से पिक किया है ऑरेंज कलर, और इसे मैंने अपने क्रीज पे लगाया है और इसको ब्लेंड किया है। फिर मैंने यहाँ से डार्क मरून कलर कह सकते हो या फिर वाइन कलर में ये पिक किया है, फिर इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पर डिपॉजिट कर रही हूँ। ब्लेंड नहीं करना है, पहले डिपॉजिट करना है अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट किया है मैंने। उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे ब्लेंड किया है। देन मैंने डार्क ब्राउन कलर पिक किया यहाँ से, और इसको क्रीज लाइन पर लगाना है, जिससे हमारी क्रीज को एक अच्छा सा डेप्थ मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने किया था। और अब लिया है यहाँ से मेहंदी कलर में शिमर कलर पिक किया था मैंने यहाँ से, और इसको मैंने जो हमारी आईलिड होती है वहाँ पे अप्लाई किया है, हाफ आईलिड तक अप्लाई किया है। फिर जो मैंने क्रीज में कलर लगाया था उसको अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई किया है। देन मैं यहाँ पर आईलाइनर लगा रही हूँ मेबेलिन का, फिर यहाँ पर से मेबेलिन से मैं मस्करा लगा रही हूँ। अब मैंने लिया है लैक्मे आइकॉनिक काजल, और काफ़ी डार्क काजल मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है ये, तो इसमें काजल वगैरह अच्छे से दिखना चाहिए हमारा। तो उस तरह से आप देख सकते हैं मैंने फाल्स लैशेस लगा लिए हैं, तो इस तरह का मेरा आई मेकअप क्रिएट हुआ है। अब मैंने यहाँ से लिया है ये कलर, और इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले हॉलो ऑफ चिक पे किया है, देन मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा फोरहेड को करेंगे,
देन जॉ लाइन पे करेंगे। तो इस तरह से पूरे फेस को एक अच्छा सा शेडोज क्रिएट हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा एक लुक मिलता है हमारे मेकअप को। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लिया है और अब मैं यहाँ से हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो हाइलाइटर काफ़ी अच्छे से मैंने लगाया है क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो अच्छे से ग्लो करना चाहिए हमारा फेस। थोड़ा सा फोरहेड पे भी हाइलाइटिंग करेंगे। देन मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट किया है और फिर हम अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया था लिपस्टिक और इसे मैंने सबसे पहले लगाया, तो पहले मैंने रेड कलर लगाया था, फिर मुझे लगा कि रेड कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, मुझे मरून चाहिए था थोड़ा सा, तो बाद में मैंने इसको मरून कर लिया। तो ये है पूरा मेकअप लुक। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है, रखना ना दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया।